अब इस वीडियो में हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ईआर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताई थी वेरियस नोटेशंस, उन्हीं को यूज करके हम यहाँ पर ईआर डायग्राम डिजाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर ईआर डायग्राम डिजाइन कर रहे हैं ऑनलाइन बुक डेटाबेस के लिए। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, एंटिटी आइडेंटिफिकेशन, कि ऑनलाइन बुक डेटाबेस में कौन कौन सी एंटिटीज का यूज होगा। तो कौन कौन सी एंटिटीज हमें यूज करनी होगी ऑनलाइन बुक में, ऑथर, बुक, पब्लिशर और एडिशन। ठीक है, यहाँ पर ऑथर, बुक और पब्लिशर जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होंगी। इसका मतलब है उनका अपना एक की एट्रीब्यूट होगा जिससे हम उसकी इंस्टेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एडिशन जो है वो वीक एंटिटी होगी और वो किस पे डिपेंड करेगी, बुक पे। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन एंड कार्डिनैलिटी आइडेंटिफिकेशन। इन एंटिटीज़ में आपस में क्या रिलेशनशिप होगा हमें वो फाइंड करना है, और उनमें कार्डिनैलिटी क्या होगी। तो ऑथर जो है राइट्स बुक, तो यहाँ पर राइट्स जो एक रिलेशनशिप है। ऑथर रिव्यूज़ बुक, ये भी एक रिलेशनशिप है। बुक हैज़ एडिशन, हैज़ भी एक रिलेशनशिप है। एंड बुक पब्लिश्ड बाय पब्लिशर, यहाँ पर पब्लिश्ड बाय भी क्या है, रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हमें फोर रिलेशनशिप्स बनानी पड़ेंगी, राइट्स, रिव्यूज़, हैज और पब्लिश्ड बाय। तो अब अगर कार्डिनैलिटी की बात करें तो जो ऑथर है वो मल्टीपल बुक्स को राइट कर सकता है। ठीक है, तो बुक साइड मल्टीपल आएगी, और सिंगल बुक इज रिटन बाय मल्टीपल ऑथर्स, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। जैसे सपोज एक्स ऑथर है, उसने Y बुक भी राइट की है, Z बुक भी राइट की है, तो बुक वाला साइड मल्टीपल हो गया। सिमिलरली जो बुक है, सपोज C की बुक है, तो इसे मल्टीपल ऑथर्स लिख सकते हैं, A ऑथर, B ऑथर, C ऑथर, तो दोनों साइड्स क्या है, मल्टीपल रिलेशनशिप है। सिमिलरली ऑथर रिव्यूज बुक, तो ऑथर और बुक में जो रिव्यू रिलेशनशिप है, यहाँ पर भी जो कॉर्डिनेलिटी रहेगी वो मैनी टू मैनी रहेगी। ठीक है, अब बुक हैज एडिशंस, अब एक बुक के मल्टीपल एडिशंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एडिशन वन आया, फिर एडिशन टू आया बुक का, एडिशन थ्री आया, तो एडिशन वाली साइड मल्टीपल रहेगी लेकिन बुक सिंगल रहेगा। सिंगल बुक के मल्टीपल एडिशंस हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक एडिशन जो है वो मल्टीपल बुक से बिलोंग करे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमेशा एक ही बुक का मल्टीपल एडिशंस होते हैं, इसलिए ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है बुक्स पब्लिश्ड बाय पब्लिशर, तो जो मल्टीपल बुक्स जो पब्लिशर्स होते हैं, एक सिंगल पब्लिशर जो होता है वो क्या करता है, मल्टीपल बुक्स को पब्लिश कर सकता है अलग अलग ऑथर के। तो यहाँ पर बुक्स मल्टीपल होंगे और पब्लिशर क्या होगा, सिंगल। तो ये हमने रखा है मैनी टू वन कार्डिनैलिटी। तो ये सारी कार्डिनैलिटीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटीज। जो हमने एंटिटीज डिसाइड की हैं कि हमारे ऑनलाइन बुक डेटाबेस में होंगी, उनसे रिलेटेड एंटिटीज आपको खुद डिसाइड करनी है कि आप क्या रख सकते हो। तो जैसे बुक में आईएसबीएन नंबर होता है जो कि यूनिक होता है नंबर का, इसीलिए ये प्राइमरी एट्रीब्यूट है। फिर कैटेगरी, किस टाइप की है, ये टेक्स्ट बुक है, नॉवेल है, किस टाइप का बुक है। ठीक है, बुक टाइटल, पेज काउंट, कितने पेजेस हैं और उसकी प्राइस, तो ये एट्रीब्यूट्स मैंने इसमें रखा है, जिसमें प्राइमरी एट्रीब्यूट कौन सा है, आईएसबीएन। सिमिलरली ऑथर के एट्रीब्यूट्स मैंने क्या रखा है, ऑथर आईडी, जो कि एक प्राइमरी एट्रीब्यूट है। नेम, फोन नंबर, ये हमने सपोज कर लिया ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। ठीक है, एक ऑथर के मल्टीपल फोन नंबर हो सकते हैं। ईमेल आईडी, बुक्स रिटर्न, उसने कितने बुक्स राइट किए हैं, इसको सपोज मैंने ले लिया डिराइव्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज एडिशन, एडिशन नंबर जो कि पार्शियल की होगी एडिशन की, और टाइप, ठीक है, किस टाइप का एडिशन है। नेक्स्ट इज पब्लिशर, पब्लिशर में हमने रखा है पब्लिशर आईडी जो कि प्राइमरी की है, प्राइमरी एट्रीब्यूट है। फिर नेम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, हमने ईमेल और फोन नंबर को यहाँ पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रखा है, यानी कि पब्लिशर के मल्टीपल ईमेल आईडीज भी हो सकती है और मल्टीपल फोन नंबर्स भी हो सकते हैं। और बुक्स पब्लिश्ड, ये एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है कि पब्लिशर ने कितनी बुक्स जो है वो पब्लिश की हुई हैं।
अब स्टेप फोर में हम क्या करेंगे, ई आर डायग्राम डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर ऑथर एट्रीब्यूट, ऑथर एंटिटी है, तो ऑथर के साथ हमने एट्रीब्यूट क्या रखे थे, ऑथर आईडी, जो कि प्राइमरी एट्रीब्यूट था, की एट्रीब्यूट, इसीलिए इसमें अंडरलाइन रखी हमने सॉलिड वाली। फिर नेम, ईमेल आईडी और फोन को रखा था मल्टी वैल्यूड, और बुक्स रिटर्न को डिराइव। तो ये नोटेशंस में आपको बता चुकी हूँ, मल्टी वैल्यूड को डबल ओवल से शो करते हैं और डिराइव एट्रीब्यूट को डैश्ड ओवल से करते हैं। तो ये हमारा ऑथर एंटिटी हो गई, ये बुक एंटिटी हो गई, बुक में ISBN नंबर है, कैटेगरी, बुक टाइटल, प्राइस, पेज काउंट। तो ये सारे एट्रीब्यूट किसके हैं, बुक के, जिसमें ISBN जो है वो की एट्रीब्यूट है, इसीलिए हमने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कौन सी एंटिटी थी, पब्लिशर, पब्लिशर में फ़ोन और ईमेल को मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रखा था, इसीलिए डबल ओवर से किया है। बुक्स पब्लिश्ड एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, पब्लिशर आईडी एक की एट्रीब्यूट है, इसीलिए अंडरलाइन रहेगी नेम और एड्रेस। और एडिशन जो है ये एक वीक एंटिटी रहेगी, वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं, और इसका जो एडिशन नंबर है वो पार्शल की है, इसीलिए इसके नीचे डैश लाइन रहेगी, और टाइप एट्रीब्यूट है इसका। अब अगर रिलेशनशिप देखें तो ऑथर और बुक में जो है टोटल पार्टिसिपेशन है, देखो टोटल पार्टिसिपेशन में आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है। यहाँ पर अगर ऑथर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग बुक भी होगा, और अगर बुक है तो उसकी करस्पॉन्डिंग ऑथर भी होगा। तो यहाँ पर ऑथर और बुक दोनों का ही टोटल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो ऑथर राइट्स बुक, तो ये राइट्स रिलेशनशिप आ गई, और ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। सिमिलरली ऑथर रिव्यूज बुक, तो यहाँ पर किस टाइप की है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। तो अब देखो हमने रिव्यू का एक एट्रीब्यूट रखा है रेटिंग, अब रख भी, क्योंकि जब ऑथर किसी बुक को रिव्यू करेगा तो हम चाहते हैं वो रेटिंग भी करे। फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या थी, बुक और एडिशन में, तो बुक एक स्ट्रांग एंटिटी है क्योंकि इसका की एट्रीब्यूट है, एडिशन एक वीक एंटिटी है जिसका की एट्रीब्यूट नहीं है। तो यहाँ पर एडिशन का टोटल पार्टिसिपेशन रहेगा, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये वन टू मैनी रिलेशनशिप रहेगी। सिमिलरली बुक पब्लिश्ड बाय पब्लिशर, तो बुक में हमने रखा है टोटल पार्टिसिपेशन, क्योंकि बुक होगा तो उसका पब्लिशर भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना बुक के कोई पब्लिशर हो, तो बुक का होना कंपलसरी है, इसीलिए बुक वाली साइड को हमने डबल लाइन से शो किया, यानी टोटल पार्टिसिपेशन रहेगा बुक का पब्लिश्ड रिलेशनशिप से। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ, आप प्लीज़ उस वीडियोस को ज़रूर देखना तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर बुक पब्लिश्ड बाय पब्लिशर, और यहाँ पर मैनी टू वन रिलेशनशिप है। तो इस टाइप से हम ईआर डायग्राम, कोई भी ईआर डायग्राम आता है तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले एंटिटीज देख लें क्या होंगी, फिर उनमें रिलेशनशिप्स क्या होंगी, फिर उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उनमें कार्डिनलिटी क्या होगी। ठीक है, ये सब डिसाइड करने के बाद फाइनली हम ईआर डायग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं।